प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोएडा वासियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव के लिहाज से भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा, जहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं होगी और देश विदेश को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मोगा में अपनी ही सरकार पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने नशे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वह राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अरविंद केजरीवाल और सुखबीर बादल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में बाहर के लोग नहीं बल्कि पंजाबी राज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कहकर गए हैं, लेकिन दिल्ली में राज करने के दौरान केजरीवाल ने वहां महिलाओं को एक पैसा नहीं दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 दिसंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 4 के लिए, शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 7 से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। बता दें करीब 20 महीने के बाद छात्र स्कूल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी देने वाले ईमेल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ये धमकी भरे ईमेल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। सलमान खुर्शीद की किताब बैन करने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे हैं तो आप मत पढ़िए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सीतापुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी और सीएम योगी की एक तस्वीर वायरल होते ही लोग परेशान हो गए कि आखिर उन्होंने योगी जी के कान में क्या कहा था। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम ने कहा कि योगी जी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में बसपा विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण बंद पड़े कंस्ट्रक्शन काम पर राज्य के केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने रजिस्टर्ड मजदूरों को 5000 रुपए देने का फैसला किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।